फाइनली वन पीस मांगा चैप्टर 1065 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और भाई बहुत सारे लोगों के रातों की नींद उड़ने वाली है जिस हिसाब से ये स्पॉयलर आया है भाई पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगा। और हाँ बहुतों ने तो अभी से ही चिल्लाना चालू कर दिया होगा कि ये चैप्टर 10 out of 10 होने वाला है बिकॉज इस स्पॉयलर में ऐसी ऐसी चीजें पता चली है ना भाई झटके पे झटके देंगे। तो स्पॉयलर वार्निंग के साथ मांगा चैप्टर 1065 के स्पॉयलर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो निकल के आता है चैप्टर का टाइटल जो कि होने वाला है 6 वेगापंक। यहां पर हमें चैप्टर के टाइटल के साथ ही ये मालूम पड़ जाता है कि ये पूरा का पूरा चैप्टर यार वेगापंक के ऊपर ही फोकस किया जाएगा। खैर इसके बाद हमें जो वन पीस का कलर स्प्रेड बताया जाता है इस बार हमें कवर स्टोरी के बजाय कलर वाला कवर पेज देखने को मिलेगा जहां पर हमें यह बताया जाता है कि वन पीस मूवी रेड वाला होगा। और देखो यार ओडा शायद अभी तक रेड मूवी को भूला नहीं है। ये सारी चीजें ज्यादा बवाल मचाने वाली नहीं थी लेकिन इसके बाद बवाल मचने वाला है। नेक्स्ट स्पॉइलर में हमें यह बताया जाता है जो सेराफिम जिनबे है वो सांजी ग्रुप को अटैक कर देता है। यहां पर मतलब बहुत ज्यादा चांसेस बन के ये निकल के आते हैं कि भाई लॉ का भी सेराफिम बना होगा मतलब वेगापंक ने सारे वॉरलॉर्ड्स के सेराफिम बना लिए होंगे और हो सकता है ब्लैक बियर्ड का नहीं बनाया होगा बिकॉज वो सियाना बंदा है वो इतनी आसानी से बेवकूफ़ी नहीं करेगा। प्लस वो तो भाई वॉरलॉर्ड बना बस एस के साथ डील किया ज़्यादा देर तक वॉरलॉर्ड था भी नहीं लेकिन हाँ बाकी के कैरेक्टर्स थे तो हो सकता है यहाँ पर हमें लॉ का भी सेराफिम देखने को मिले। अब वो लॉ जैसी एबिलिटी यूज़ कर पाएगा कि नहीं इस बात का नहीं पता मुझे लगता है नहीं यूज कर पाएगा पर देखते आगे क्या होता है। साथ ही साथ नेक्स्ट स्पॉइलर में हमें यह बताया जाता है वी डिस्कवर द अदर 3 वेगापंक एडिसन एंड पाइथागोरस आर रोबोट्स। ठीक है भाई ये सब रोबोट्स हैं। यॉर्क इज द वन दैट ईट फॉर द अदर वेगापंक। भाई मतलब इसको क्या खाना खाने के लिए रखा है। खैर देखो पूरा जो चैप्टर था मेरे भाई ने जैसा बोला ये भुक्कड़ों का आर्क होने वाला है मतलब यहाँ पे बॉनी है लूफी है और अब ये यॉर्क। नेक्स्ट स्पॉइलर अब तहलका मचेगा। यहाँ पर हमें ये बताया जाता है एग हेड इज नॉट द आइलैंड ऑफ द फ्यूचर। हाँ भाई ये आइलैंड जो फ्यूचर वाला नहीं है इज द आइलैंड ऑफ द पास्ट बिकॉज इट्स टेक्नोलॉजी इज सिमिलर टू एंशंट किंगडम टेक्नोलॉजी। हाँ भाई ये पास्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों के सर के ऊपर से ये बात गया होगा और बहुत सारे लोग जो इस बात को समझ गए होंगे वो जो है अब बहुत ज्यादा चिल्लाएंगे कि भाई ओडा ने क्या कर दिया ये कर दिया वो कर दिया। यार देखो इस बात को लेकर ओडा ने बहुत पहले ही फॉरवर्डिंग दे दिया था। सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूँ प्लूटोन एंशिएंट वेपन। भाई वो एंशिएंट वेपन आज के टाइम पे भी उसको दोबारा से उसका कॉपी कोई नहीं बना पाया। यूरेनस को ही ले लो उसका बारे में पता तो है नहीं लेकिन इमू ने जो सैबो के ऊपर हमला किया था वो हाईली चांसेस है कि वो यूरेनस ही होगा। ओडा ने बहुत पहले ही फॉरसेडिंग दे दिया है वाइट सेंचुरी के टाइम पे टेक्नोलॉजी आज के टाइम से भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस हुआ करती थी। तो हाँ ये चीज़ जो है मुझे ज़्यादा हैरान नहीं किया बिकॉज ये मुझे पहले से ही बहुत ज़्यादा लगता है लेकिन ये चीज़ें रिवील करके ओडा ने मतलब एक कन्फर्मेशन का जो ठप्पा लगा दिया है भाई तबाही मचा दिया है। साथ ही साथ एट द एंड ऑफ द चैप्टर लूफीज ग्रुप फाइंड सम एंशिएंट रोबोट्स। इस बात पे क्या कहने भाई यहाँ पर हमें वाइट सेंचुरी के टाइम की चीज़ें भी जानकारियाँ मिल रही है। क्या यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि जो डॉक्टर वेगापंक है वो एंशिएंट किंगडम के टाइम की टेक्नोलॉजी के ब्लूप्रिंट्स को यूज़ करके अपने एगहेड आइलैंड पे काम कर रहा है। हो सकता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे चैप्टर आने के बाद मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा किंगडम के ऊपर। खैर स्पॉइलर ख़त्म नहीं हुआ है अभी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दिया गया है। जो वन पीस फिल्म रेड वाला जो कवर पेज आएगा कलर वाला वो हैलोवीन वाले थीम पे बेस्ड होगा। यहाँ पर ओडा हैलोवीन मनाने वाला है बहुत अच्छी बात है बिकॉज वन पीस सिर्फ जापान में फेमस नहीं है पूरे दुनिया में फेमस है। साथ ही साथ नेक्स्ट स्पॉइलर में ये पता चलता है जो सेराफिम वाला जिनबे है वो नामी इन सब के ऊपर हमला करता है। हाँ ये मेन वाले स्पॉइलर में भी बताया गया है। इसके बाद जो नामी रॉबिन फ्रैंकी ये सब जो है उस सेराफिम के ऊपर हमला करने का ट्राई करते हैं लेकिन उस सेराफिम को कुछ भी असर नहीं होता है जिसके बाद सांजी गुस्से में आकर के उस सेराफिम को लात मारता है। हाँ तुम जानते हो अपना सांजी तो भाई योंको का कमांडर है तो अब चौड़ चौड़ में लात मारेगा ही लड़कियों के ऊपर कैसे हमला कर दिया। जिसके जवाब में सांजी अपना पैर तुड़वा लेता है। भाई ठीक है तुम लात मार रहे हो अबे हाकी यूज़ करके मारते ब्लू फ्लेम यूज़ करके मारते नहीं वो सब नहीं नॉर्मल लात मार रहा है तो पैर टूटेगा ही और ऊपर से ये वेगापंक की टेक्नोलॉजी है कोई नॉर्मल रोबोट तो है नहीं यार कि तुम
पत्थर को लात मार के जैसे तोड़ देते हो, कोई भी लोहे को तोड़ देते हो, वो टूट जाएगा। थ्री न्यू वेगापंक्स कम इन एंड सेव सांजी। यहाँ पर हमें बहुत सारी जानकारियाँ ये मिल रही है कि जो वेगापंक्स है वो इतने भी ज़्यादा बुरे नहीं है जैसा हमें पहले सोचने से लगता था। हाँ, इन्हें साइंस की टेक्नोलॉजी पसंद है, इन्हें जो है नए नए इन्वेंशन करना पसंद है, नए नए नहीं मतलब पास्ट की इन चीज़ों का इन्वेंशन करना पसंद है, लेकिन ये लोग वर्ल्ड गवर्नमेंट की तरह कमीने नहीं है। अब जो हमें नेक्स्ट स्पॉइलर में ये बताया जाता है, वेगापंक को एंशेंट किंगडम के बारे में पता है। एक चीज़ जरा तुम सोचो, जब रॉबिन का पास्ट दिखाया जा रहा था ओहारा के बारे में, वहाँ पर जब ये बुड्ढा एंशेंट किंगडम का नाम ही लेने वाला था, CP0 से मरवा दिया था, पर ये अब तक जिंदा है। क्या अभी तक वर्ल्ड गवर्नमेंट को इस बारे में पता ही नहीं था, या फिर अब जाके पता चला है? वैसे मैं ये चीज़ जानना चाहूँगा। अब हाँ, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगा अलग से, तो बात करेंगे उसमें, सो डोंट वरी। इसके बाद वो जो वेगापंक है वो ये भी कन्फर्म करता है कि उसको एंटायर हिस्ट्री के बारे में तो नहीं पता है, एंटायर वर्ल्ड सेंचुरी में क्या हुआ था इन सब चीज़ों के बारे में तो नहीं पता है, लेकिन वो एक चीज़ कन्फर्म करता है कि भाई जो एगहेड आइलैंड है जिसे हम इतना ज़्यादा एडवांस समझते हैं, वो एंशेंट किंगडम के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। मतलब तुम सोचो भाई, वो एंशेंट किंगडम कितना ज़्यादा एडवांस होगा। और ये चीज़ यार, नो डाउट भाई, प्लूटोन को बनाया गया है, यूरेनस को बनाया गया है, एडवांस तो होना ही था। प्लस साका और ड्रैगन का बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन यहाँ हमें देखने को मिलता है। जब चैप्टर आएगा क्या बात कर रहे हैं वो चीज़ भी हमें और जानने को मिलेगा, बिकॉज यहाँ पर स्पॉइलर में साफ साफ लिखा गया है कि हमें पूरा कन्वर्सेशन के बारे में बताया जाएगा। वैसे देखो नेक्स्ट वीक नो ब्रेक है, तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। ये चैप्टर के बाद और एक चैप्टर आएगा, फिर ओडा शायद ब्रेक में जाए, और जिस हिसाब से यार चैप्टर आ रहे हैं फिर से वन पीस तबाही मचाने वाला है। खैर देखो, मैं तुम सबकी राय जो है कमेंट बॉक्स में जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और तुम सब इसको लेकर के जो सवाल पूछने वाले हो ना, वो सवाल कमेंट बॉक्स में पूछो, बिकॉज ओडा ने तो चैप्टर में तबाही मचा ही दिया है। अब तुम सब कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ के कोई नया टॉपिक दो, सवाल पूछो यार, जिस पर मैं वीडियो बनाऊँगा और मुझे भी अच्छा लगेगा बनाने में। तो यार वीडियो पसंद आया लाइक मारो, चैनल पर नया आएगा उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करो, और हाँ इंस्टाग्राम पर फॉलो करो यार। तो यार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय।